हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डीबी किलर या फिर मफलर जो अपना एग्जॉस्ट में जाता है। एंड बहुत लोग को डाउट था कि क्या मफलर चेंज करने से माइलेज पे कुछ फ़र्क पड़ता है, इंजन पे कुछ फ़र्क पड़ता है, उसका प्रोज एंड कॉन्स, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहला जो सबसे चीज़ रहेगा वो है माइलेज। क्या माइलेज पे फ़र्क पड़ता है इससे? एंड उसका आंसर है हाँ, माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। मैंने अभी तक जितना भी लोगों को पूछा है, जो लोग ने मतलब स्टॉक मफलर से मॉडिफाइड मफलर पे आया, कट मफलर पे आया है, सबका आंसर वही है कि हाथ फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा नहीं, वही 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा पर लीटर पे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। माइलेज पे फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर आप कट वाला लगाएंगे तो उसमें, और अगर आप स्टॉक लगाएंगे तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, वही 2-3 का एवरेज ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कि अच्छी बात है अगर आप सिटी में चला रहे और ये क्या कर रहे हैं। तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। कैसा सिटी में आपको गाड़ी कभी भी एवरेज कम ही देता है, तो उसके हिसाब से आप कट वाला मफलर मत लगाओ। और अगर आप स्टॉक मफलर हाईवे पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होएगा, क्योंकि हाईवे पे एक तो पहले से गाड़ी बहुत एवरेज देता है, एंड ऊपर से अगर आप स्टॉक मफलर लगा देंगे तो और भी ज़्यादा एवरेज देगा। अभी मेरा कैसा है, मैं यूज़ करता है कट मफलर, बहुत दिन से यूज़ कर रहा था एंड उसका आवाज़ मेरे को बहुत सही लगता है, लेकिन थोड़ा सा माइलेज पे फ़र्क पड़ जाता है। अभी वो सेम मफलर पे, कट वाला मफलर पे मैंने पूना राइड मारा था एंड मेरे को बहुत अच्छा एवरेज दिया था गाड़ी ने, 35 प्लस का एवरेज दिया था। एंड अभी इसका तो मैं बोल नहीं सकता कितना देगा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब जो इसका एवरेज के ऊपर जो वीडियो बनेगा, कितना इसने मेरे को एवरेज दिया ये मफलर ने, वो उसका एक नंबर आएगा बाद में। एंड ज़्यादा ही होएगा वो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब मेरे को तो लगता है 38 तक आएगा, उससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 35 भी आएगा तो भी बहुत है, क्योंकि सिटी के हिसाब से उतना ठीक है। एंड ये हो गया माइलेज का बात। फिर अभी बात करते हैं क्या इंजन पे फ़र्क पड़ता है, एंड उसका आंसर नहीं है, इंजन पे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक मफलर है, वो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं आपका इंजन को, सिर्फ आपका एग्जॉस्ट आवाज़ चेंज करेगा। जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, जो बड़ा बड़ा बाइक्स भी रहते हैं उसमें भी कंपनी डीबी किलर देते हैं टू कट द साउंड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है तो आप डीबी किलर डाल दो, आपका साउंड कम हो जाएगा गाड़ी का। तो वही है, वो सिर्फ साउंड कम करने के लिए है। और अपना आरएक्स में तो अपने पास ऐसा मतलब कारनामा अपन कर सकते हैं कि कोई भी मफलर डाल दो, कुछ भी कर दो, उसका आवाज़ चेंज हो जाता है, तो ये सब बाकी बाइक्स में नहीं होता है। तो वही है, वो चेंज करने से आपका सिर्फ आवाज़ बदलेगा। और एक गधा फ़ोन पे बात कर रहा है गाड़ी चलाने के टाइम पे। तो वही है, आपके इंजन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बिंदास चेंज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। एंड और एक जो है बात, वो है कि स्टॉक मफलर का आवाज़ एकदम ओरिजिनल है, मतलब एक मफल्ड आवाज़ है। कट वाला मफलर का आवाज़ कैसा रहता है, थोड़ा पटपट पटपट करता है, मतलब थोड़ा शार्प आवाज़ है, कान में चुभने वाला है। अगर वो अपन उसको बहुत ज़ोर से भगाएंगे गाड़ी को तो उसका आवाज़ का मज़ा ही अलग है। लेकिन ये वाला आवाज़ पे जो क्रूज़ करने को मज़ा आता है ना, जब से मैंने स्टॉक मफलर डाला है मेरे गाड़ी में, मेरे को गाड़ी भगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आराम से चलाने को जो मज़ा है वो भगाने में नहीं है। चेंबर डाला था तभी तो भगाने को मज़ा आता था। तो वही बात है, सब एग्जॉस्ट का, सब मफलर का मज़ा अलग रहता है, तो गाड़ी को उस हिसाब से ही चलाना चाहिए। चेंबर था तभी मैं भगाता था, अभी ये वाला आया है एग्जॉस्ट मफलर तो नहीं भगाता है। तो यही बात है। तो गाइस, मेरा जो लास्ट टिप रहेगा वो यही है कि स्टॉक मफलर ही अच्छा है अपने गाड़ी के लिए, अपना इंजन के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है।
गाड़ी का लाइफ बढ़ जाता है उससे। तो आप भी स्टॉक मफलर पे ही गाड़ी चलाओ एंड मफलर स्वॉप करते रहो बीच बीच में। अगर आप आवाज़ से बोर हो गए तो कभी कट डाल दो, कट वाला मफलर यूज़ करो, कभी स्टॉक वाला यूज़ करो, आपको एवरेज भी देगा और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बहुत इसके। सो या गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने का है अबाउट दिस तो कमेंट सेक्शन में डालो, फ्री है। एंड अपने भाई बंधु लोग जितने भी हैं उनको भी कमेंट्स पढ़ के कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा, टिप मिलेगा कुछ ना कुछ। सो या गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड इफ यू डिड देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द स्पीडी लियो चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ, बी हाइड्रेटेड, धूप बहुत बढ़ गया है, पानी पियो सब लोग। एंड आई होप टू सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ़।